अस्सलाम वालेकुम। आज बॉडी फिटनेस उस्ताद स्की दुबई के अंदर है। यहाँ पे टेम्परेचर इस कदर ठंडा है कि मेरे ख्याल से -3-4 टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और इसी मुनासबत से मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं रिलीज़ करूँ कि ठंडे मौसम में बॉडी बिल्डिंग के क्या फ़ायदे हैं और गर्म मौसम में बॉडी बिल्डिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान आते हैं। ठंडे मौसम में बॉडी बिल्डर जो है इंसान की जो बॉडी है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि इंसान की जो होती है कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न कम होती हैं, पसीना कम आता है, कैलोरीज सेव रहती हैं। तो उस सूरत में इंसान जो है अच्छा एक जल्दी बॉडी बिल्डर जो है एक, यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा कि मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे होंठ जो है वो ठंडे हैं, पाँव की उंगलियाँ जो है बर्फ़ से भरी हैं, इस वजह से मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है। जो लोग तो वज़न को कम करना चाहते हैं उनको सर्दियों में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी कैलोरीज कम बर्न होती हैं। जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी उतना जल्दी आपका वज़न कम होगा। तो इस लिहाज से जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं सर्दियों में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बनिस्बत गर्मियों के, क्योंकि गर्मियों में उनका वज़न काफ़ी जल्दी कम हो जाता है, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं, आपकी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। और इसी तरह जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनकी कैलोरीज सेव होती हैं। जितनी कैलोरीज सेव होंगी उतना उनका वेट जो है वो बढ़ेगा, कम जल्दी नहीं होगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि कैलोरीज उनकी बर्न नहीं हो रही। तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं सर्दियों में के मौसम में। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और अपनी डाइट जो है मेरी जो परहेज़ी खाने हैं ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें वो भी नहीं खा पी रहा, लेकिन मेरा वज़न बढ़ रहा है। तो उसकी वजह ये होती है कि सर्दियाँ हैं, क्योंकि उसमें आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। तो अगर आपको कैलोरीज बर्न करनी है तो उस हिसाब से आपको कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे पहनने चाहिए, लाइक पैराशूट का अपर और ट्राउज़र पहने, ताकि आपको पसीना आए ज़्यादा से ज़्यादा। और जब आप एक्सरसाइज कर चुके हों, अपने जो लोग फैट बर्न करना चाह रहे हैं उनको फौरन अपने कपड़े जो हैं बदलने चाहिए, बजाय इसके कि वो पसीने वाले कपड़े पहने, और क्योंकि ठंड होती है बहुत ज़्यादा उस सूरत में उनको ठंड लगने का ख़तरा है। तो फौरन कपड़े चेंज करें ताकि उनको ठंड ना लगे और बीमार ना हो जाए वो। और बॉडी बिल्डर हज़रात जो वेट गेन करना चाहते हैं, हाइपरट्रॉफी जो कर रहे होते हैं, और गर्म इलाकों में रहने की वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं कि जो वेट मसल्स उन्होंने बनाए हैं, जो उनकी एक शेप आई है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान पंजाब में मैं चूँकि गुजरांवाला से हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और जिसकी वजह से लाले पड़े होते हैं कि जो हमने एक वेट गेन किया है वो कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी होती है खून पसीना एक हुआ होता है। उस सूरत में हम लोगों को अपना खाना पीना जो है जितनी ज़्यादा होती है हमें कैलोरीज लेनी पड़ती हैं, ताकि हमारे जो वेट है हमारा वो कम ना हो जाए। और यही बात मेरे उस्ताद मतलब उस्ताद फैज रसूल ने एक दफ़ा बताई थी कि जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं उन लोगों का जिस्म ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, मसल्स उनके ज़्यादा अच्छे प्रोमिनेंट बनते हैं और ज़्यादा गेन करते हैं वो। जब मैंने ये चीज़ें किताबों में पढ़ी, प्रोफेशनल एजुकेशन जब हासिल की, तो मैंने यही चीज़ें देखी। उम्मीद है कि मैंने कुछ ना कुछ सही बोला होगा और कुछ ना कुछ मालूम दी होगी फ़ायदेमंद जो हो सके न्यू कमर्स के लिए, जो नए हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में, और जिनको सर्दी गर्मी मौसम के बारे में क्या होता है, बॉडी असरात क्या पड़ते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी है, क्योंकि बोलना बड़ा मुश्किल है, ठंडे इंतहा की यहाँ पे ठंड है और मेरा नोज़ी भी रेड हो चुका हुआ है और बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं फंबलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो की दुबई से। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
चलो बस इतना था। चलो साइड पे लेके, साइड पे हो जाए। गिर जा रहा है बार बार। यू यार यू ले रहे हैं वीडियो इसका।